हेलो गाइस, वेलकम टू बैंक बीट। इस वीडियो में हम 19 मे के जीके से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विद डैश टू बिल्ड टेक प्लेटफॉर्म डैट वुड इनेबल देम विद ऑनलाइन पेमेंट्स फॉर डिजिटल ऑर्डरिंग, बिल सेटलमेंट्स एंड कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग। नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक टेक प्लेटफॉर्म जिससे कि डिजिटल ऑर्डरिंग, बिल सेटलमेंट्स और कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट्स हो सकेंगे, इसके लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो NRAI ने पार्टनरशिप की है C.Pay के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल? इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो वे बन गए हैं बी, बेंजामिन नेतान्याहू। बेंजामिन नेतान्याहू इसराइल के 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नाकर मटकारी पास्ड अवे फ्रॉम विच स्टेट डिड ही बिलोंग? रत्नाकर मटकारी जिनकी डेथ हो गई है वो कौन से स्टेट को बिलोंग करते थे? तो वे बिलोंग करते थे बी, महाराष्ट्र को। रत्नाकर मटकारी महाराष्ट्र के एक नोटेड ड्रामेटिस्ट, राइटर, थिएटर पर्सनैलिटी और नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर थे। उनको संगीत नाटक अकेडमी और साहित्य अकेडमी जैसे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गिव फर्दर इम्पेटस टू राइस एक्सपोर्ट्स द सेंटर हैज सेट अप अ न्यू बॉडी डैश। राइस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ने एक न्यू बॉडी का सेटअप किया है, हमें ये बताना है कि उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है बी, REPF। REPF का फुल फॉर्म है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। REPF का फुल फॉर्म है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम और ये फोरम एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अप्रूव्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम विद एन आउटले ऑफ ₹10 करोड़। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम अप्रूव की है, तो हमें ये बताना है कि ये कितने करोड़ रुपये की स्कीम है। तो ये है डी, 400 करोड़ रुपीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट स्लैश यूटी पुलिस हैज लॉन्च थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगेयर? कौन से स्टेट या फिर यूटी की पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगेयर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है थी दिल्ली पुलिस ने। इस हेडगेयर से पुलिस 10 से 15 मीटर की दूरी पे बहुत से लोगों का टेम्परेचर डिटेक्ट कर पाएगी और ये हेडगेयर दिल्ली पुलिस ने इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन के कोलैबोरेशन में लॉन्च किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च 2 स्कीम्स, स्नेहर पुरुष फॉर माइग्रेंट लेबरर्स एंड प्रोचेष्टा फॉर वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने 2 स्कीम लॉन्च की है? पहली स्नेहर पुरुष जो कि माइग्रेंट लेबरर्स के लिए है और दूसरी प्रोचेष्टा जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स हैं उनके लिए। तो ये स्कीम लॉन्च की है सी, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। स्नेहर पुरुष स्कीम के अंतर्गत जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है वो माइग्रेंट वर्कर्स है जो देश के बहुत सारे कोनों में फंसे हुए हैं उनको ₹1,000 फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी। और प्रोचेष्टा स्कीम के अंतर्गत वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट डेली वर्कर्स जो COVID-19 की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है उन्हें ₹1,000 फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुसैन कज़ेमपुर अर्देबली इज पास्ड अवे, हु वॉज ही? हुसैन कज़ेमपुर अर्देबली जिनकी डेथ हो गई है वे कौन थे? तो वे थे बी, ईरान के ओपेक गवर्नर। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और 13 नेशंस इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। इसे फाउंड किया गया था बगदाद में 1960 में। आपको कमेंट करके ये बताना है कि ओपेक का हेडक्वार्टर्स कौन सी जगह पे हैं। कल के वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि PCB ने करप्शन चार्जेस की वजह से 3 साल के लिए किस क्रिकेटर को बैन कर दिया है, तो इसका सही जवाब है उमर अकमल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस, क्वांट रीजनिंग के ट्रिक्स, करंट अफेयर्स और हिंदू एडिटोरियल की वीडियो रेगुलरली चाहिए तो आप बैंक भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।